आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। थाम। काकू, क्या हुआ काकू? कान पकड़। किसके कान काकू? अपने अपने लौकर। और जब तक हम खाना नहीं खा लेते तो उठक बैठक करेगी। लेकिन काकू मैंने तो चालू कर। खाना शुरू करो। वही नहीं, करिश्मा को किस बात की पनिशमेंट सजा दंड मिल रहा है? झूठ बोलने की सजा। तेरी बहू ने हम सबसे झूठ बोला और उस सही को हमारा मजाक उड़ाने का मौका मिला। मेरी इतनी सी बात के लिए मुझे सजा दी जा रही है और सही भाभी उन्होंने तो सबके साथ बदतमीजी की, उसके बाद उन्होंने किसी से माफी मांगने से भी मना कर दिया, लेकिन उनको तो आपने कोई सजा नहीं दी। करिश्मा सही कह रही है बड़ी मामी, जो सजा की असली हकदार है वो तो घर में इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करके चुपचाप कॉलेज चली गई है। वही तो। करिश्मा ने भी तो सही का मुंह बंद करने के लिए झूठ बोला था ना उस औरत के बारे में। मैं इस बात पर गुस्सा नहीं हूँ किसने झूठ बोला, लेकिन झूठ बोलने के बाद तू जो पकड़ी गई ना उस पर गुस्सा आ रहा है। सच अगर नजरें झुकाकर तभी आवाज में बोला जाए तो सब लोग उसे झूठ मान लेते हैं, लेकिन अगर झूठ बुलंद आवाज में छाती ठोक कर बोला जाए तो लोग उसे सच मान लेते हैं। मतलब? रे दिमाग से पैदल लड़की, जब सही तुझे पूछ रही थी कि उस औरत का नाम बता तो ले लेती कोई भी नाम, अपनी झूठी कहानी बताने से पहले तूने इतना भी नहीं सोचा? तो काकू आप ही कोई नाम बोल देती। गप्पा बस, सही की तरह तू उसे जुबान लड़ाना शुरू मत कर। लेकिन काकू चालू रख। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं सही भाभी, इस उठक बैठक का पूरा बदला लूंगी आपसे। पत्र लिखा। मैं खुद तुमसे कह रही हूँ कि सही की बदतमीजियों को रोकने के लिए तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। साम दाम दंड भेद जो तरीका इस्तेमाल करना है करो, लेकिन किसी भी हाल में उस सही को सबक सिखाना किसी भी कीमत पर। जी बड़ी मामी, मुझे पता है मुझे क्या करना है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।